सब क्या हो रहा है गुप्ता जी? मैनेजर गुप्ता, मैनेजर गुप्ता, ये क्या है? मेरा इस्तीफा। मजदूर लोग मुझसे नाराज हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो। हमारी मांगे मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, हमारी मांगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। और अब मुझे बताइए, आप लोगों को क्या चाहिए? मैनेजर गुप्ता का इस्तीफा। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। अब और चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुप्ता जी ने खुद अपना इस्तीफा दे दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मजदूरों को नाखुश नहीं देखना चाहते, जिनकी मेहनत और दम पर ये फैक्ट्री चलती है। ये इसका नाटक है। ठहरिए गुप्ता जी, ये नाटक नहीं, उनकी वफादारी है। ये फैक्ट्री आज से 5 साल पहले ही बंद हो जाती, जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ था। उस वक्त गुप्ता जी ने मेरा साथ दिया, ये फैक्ट्री संभाली, वरना आज आप सब बेकार होते। मगर शारदा देवी, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये फैक्ट्री ना तो आप लोगों की मेहनत के बिना चल सकती है, हाँ हाँ। और ना ही गुप्ता जी की समझदारी के बगैर। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि गुप्ता जी को नौकरी से हटा दिया जाए, तो उस हाल में मैं ये फैक्ट्री बंद कर दूंगी। रही बात आप लोगों की मांगों की, मैं वादा करती हूं कल सुबह तक आप लोगों को तनख्वाह, बोनस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। शारदा देवी, शारदा देवी, मुझे एक बात बताइए गुप्ता जी, हमारी कंपनी अचानक नुकसान में क्यों चल रही है? कई मल्टीनेशनल कंपनियां वही दवाएं बनाने लगी हैं जो हम बनाते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने की वजह से हमारी कीमतें उनसे ज्यादा है। जो लोग हमसे दवाएं खरीदते हैं वो वक्त पर पेमेंट नहीं करते। आप उनसे मांगते क्यों नहीं? ये हम लोग ज्यादा जोर इसलिए नहीं देते कि कहीं नाराज होकर वो लोग हमारा माल खरीदना बंद न कर दे। इसका कोई इलाज? इलाज यही है कि हम बैंक से लोन लेकर अपने प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाएं। हमें लोन मिल सकता है? कोशिश करते हैं। तो फिर कोशिश कीजिए गुप्ता जी। जी। Congratulations, Mary. मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने लवर के साथ शादी किया। मैं बोलता था ना, मिल्टन वाकई बहुत अच्छा लड़का है। God bless you, Milton. God bless you, Mary. Milton? कौन Milton? हम तो थॉमस है। Mary, ये Milton कौन है? कौन है ये रास्कल? मैंने इसे कभी देखा नहीं। Oh no. You rascal! हमारे वाइफ को बदनाम करता है। मेरी वाइफ को बदनाम करता है। I will kill you. I say I will kill you. Milton, जाता किधर है? जाता किधर है? बताइए कि मैं क्या? ये भी मेरी है? अरे यही तो मेरी के मैरिज में हम आया था। हमारे को क्या मालूम कि तुम्हारी मैरिज कभी मैरिज है? मतलब दोनों का नाम एक ही है? थैंक गॉड। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
Do you, Mary Briganza, accept Milton Xavier as your lawfully wedded husband? Yes, I do. Do you, Milton Xavier, accept Mary Briganza as your lawfully wedded wife? Yes, I do. Kiss the bride. God bless you both. Congratulations. All the best. सुनिए, जो बात दरअसल ये है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कहते हुए घबरा रहा हूँ। मेरी माँ भी ये कहा करती है कि तू बहुत घबराते है मुन्ना। मुन्ना? जी हाँ, सुनने में ये नाम किसी बच्चे का लगता है, मगर मेरी माँ के मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मुन्ना? हाँ? मुन्ना, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम समझते क्यों नहीं? मैं समझ गई। क्या? तुम मुझसे वही कहना चाहते हो जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। कहो। शाम को मिलो तब बताऊंगी। कहाँ? सोफिया कॉलेज के बाद पलेडियम इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए अब आ रही हैं लवडेल कॉलेज की मिस माधुरी।
तुमने ओहो हो क्या गाना गाया, क्या आवाज है तुम्हारी। मेरी या ममता की? ओफो, ममता की सही, लेकिन नाम तो तुम्हारा अनाउंस हुआ था। अब आ रही है लवडेल कॉलेज की मिस माधुरी। ताली मारो, ताली मारो। अरे फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो बिल्कुल फिकर मत कर। और अगर ये भेद खुल गया कि माधुरी की जगह ममता ने गाना गाया है तो देखा जाएगा। अब तू पड़ गई ऐन वक्त पे बीमार और नाम बदलने का वक्त ही नहीं था, और फिर कॉलेज की इज्जत को जो सवाल था है ना। वो तुम्हारा मदर है? नो नो मैम। तुम उसका फादर है? नो मैडम। वो तुम्हारा सिस्टर है? नो मैडम। तुम उसका ब्रदर है? नो मैम। तुम उसका लवर है? जी। वो तुम्हारा लवर है? जो तुम्हारा वो कुछ भी नहीं है तो तुम क्यों इसको मिलने को मांगता है? दरवान, इस जनाब को बाहर का रास्ता दिखाओ। चुप बैठ जाओ। मैडम प्लीज। नमस्कार सर। ये मैं बम्बई से आया हूँ भाई। अरे भाई प्यार से काम लो। अब दरबार से ही इंसान मैं भी हूँ। एक काम है छोटा सा। आज जिन्होंने गाना गाया था ना, माधुरी जी को चिट्ठी दे सकते हैं आप? इधर आओ। अरे ये लफाफा कैसे जाएगा, इस पे तो टिकट ही नहीं है। टिकट? बगैर टिकट के लेटर बॉक्स में लफाफा डालते हैं क्या? मगर मेरे पास टिकट नहीं है। लगता तुम भी रामायण के जमाने के आदमी हो। बटुआ निकाल। बटुआ? बटुआ। ये है जमाने का टिकट। कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, यही काम आता है, समझे? मैं तो उसका पता भी नहीं पूछ सकी। वो हमारी वार्डन पीलू वाड़िया। माधुरी, वॉचमैन ने तेरे लिए चिट्ठी दी है। मेरे लिए? किसकी चिट्ठी हो सकती है? मुन्ना? मुन्ना पीयूसी की चिट्ठी है। देना माधुरी, देना प्लीज। अरे मुझे भी पढ़ने देना। फूलों की तुझे राह मिले, तेरी उम्र चांद सितारों की। गाना तो मेरे नाम से गाया था, अब इश्क भी मेरे नाम से करने लगी। फूलों की तुझे राह मिले, तेरी उम्र हो चांद सितारों की। माधुरी, मैं अपनी माँ से बात करके तुम्हें जल्द से जल्द घर ले जाऊंगा। आओगी ना?
तुम्हारा मुन्ना। माँ। बेटा तू आ गया। माँ जीते रहो। माँ माँ मुझे कुछ कहना है। बोलो। शांति के सामने नहीं माँ। अरे शांति से क्या शर्माना। बोलो जाए माँ जाना। माँ माँ मैंने एक लड़की देखी है। क्या तूने एक लड़की पसंद की है? कौन है वो? कहाँ रहती है? क्या? माँ शांति सुन लेगी। अच्छा अच्छा अब बता कौन है वो? किस खानदान की है? क्या? माँ ये सब नहीं मालूम मेरे को। उसका नाम माधुरी है और वो लवडेल कॉलेज में पढ़ती है। अरे वहाँ तो गुप्ता जी की लड़की भी पढ़ती है। मैं आज ही गुप्ता जी से पता करती हूँ। ओके बीबी जी गुप्ता साहब आए हैं। लो आज तो बात मुंह से बाद में निकलती है पहली पूरी हो जाती है। चलो बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं अभी अभी आप ही का जिक्र कर रही थी। सुबह सुबह तो आप हमेशा भगवान का नाम लेती हैं। लेकिन आज अनहोनी कैसे कि आपने मेरा नाम ले लिया। बस अनहोनी समझ लीजिए मुन्ना को एक लड़की पसंद आई है। गुप्ता जी आज ही आप अपनी बेटी से फोन पर बात कर लीजिए। जी ममता से? जी हाँ वो उसी के कॉलेज में पढ़ती है। मुन्ना। हाँ माँ। क्या नाम बताया तूने उस लड़की का? माधुरी। क्या? जी माधुरी। गुप्ता जी आप फौरन ममता से कहिए कि वो माधुरी के बारे में सारी मालूमात हासिल करके आपको बताए। या फिर हम दोनों वहां चलकर क्यों ना पता लगा लें। जी नहीं आपको वहां जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ममता से मैं टेलीफोन पर बात कर लेता हूं। जी ये लोन के बारे में बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप जरा इन्हें पढ़ लीजिए फिर दस्तखत कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप गुप्ता जी? आपसे ज्यादा हमारे भले की कौन सोच सकता है? बताइए कहां साइन करना है? जी एक यहां एक यहां। ये क्या है गुप्ता जी? बैंक से 50 लाख का लोन हासिल करने के लिए शारदा देवी की एप्लीकेशन और ये लोन तुम्हें पास करना होगा। आपका हुक्म सर आंखों पर जी। लेकिन ये शारदा देवी के दस्तखत आपने कोरे कागज पर क्यों करवा लिए? बैंक के लिए तो यही कागज काफी था। मित्तल जब भी तुम बात करते हो वही बेवकूफों वाली बात करते हो। यही तो कीमती सिग्नेचर है जिसकी वजह से 50 लाख हम तक पहुंचेंगे। वाह वाह गुप्ता जी वाह। किसी भी गैर कानूनी काम को कानूनी कैसे करना है ये गुरु तो कोई आपसे सीखे। मगर उसके लिए भी तुम जैसे लोगों का साथ बहुत जरूरी है। अरे गुप्ता जी ये गुलाम तो आपकी सेवा के लिए हर वक्त हाजिर है। वो आखिर अपनी दाल रोटी का भी तो सवाल है ना। साथ में गाड़ी भी तो चाहिए। कब आए तो? अभी से उसके ख्यालों में खो गया। उसके आने के बाद तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाएगा। ऐसी बातें मत कर माँ। तेरा मुन्ना मर भी जाएगा ना फिर भी उसके रूप पर हमेशा तेरा नाम जिंदा रहेगा। चुप मारूंगी फिर से ऐसी बात की तो। चल सोचा।
तुझे याद है जब मैं छोटा था तो अक्सर एक गीत गाया करती थी? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे याद है माँ। से तू आया मेरे द्वार, मुझको बदला बदला, लगता है सारा करो,
दो बजे की ड्यूटी पर नया वॉचमैन बहादुर आने वाला है। हाँ हाँ खबर है, तू गेट खोल के रख, मेरा साहब की गाड़ी आती होगी। एक्सेलेंट मेहरा साहब, यह तो समझ में आता है कि पुलिस की नजर से बचने के लिए आप अपना माल दवाओं की पैकिंग में भेजते हैं, लेकिन इंजेक्शन की इन छोटी शीशों में क्यों? आपका इतना ही माल हम चार बोतलों में भी पैक कर सकते हैं। इतना माल एक साथ खरीदेगा कौन? जानते हो इस छोटी सी शीशी की कीमत क्या है? पूरे 2000 रुपए। बाप रे, 2000? कौन है? हेलो हेलो गुप्ता जी, मैं कंपनी का नया वॉचमैन बहादुर सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलो बहादुर सिंह। यहाँ बड़ी गड़बड़ है जी। राधे श्याम गांव की शिशु में नशीली दवाएं भर रहे हैं जी। क्या बात कर रहे हो तुम, राधे और श्याम? हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हो? मैं टेलीफोन बूथ से बोल रहा हूँ जी। तुम टेलीफोन बूथ के अंदर ही छुपे रहना जी, मैं अभी आया। अच्छा जी। अगर तुम दोनों ने दोबारा ऐसी भूल की तो तुम लोगों का भी यही हश्र होगा। गुप्ता साहब, आज अगर ये चौकीदार बस निकलता तो जो होता सो होता, लेकिन आपकी योजना जरूर चकनाचूर हो जाती। कौन सी योजना? यही, जैसे आपकी बेटी और शारदा देवी के बेटे की आपस में शादी, आपकी आबादी। मेहरा साहब, अंग्रेजी में एक कहावत है, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि अपने काम से काम रखो। मुबारक हो भाभी जी, बैंक हमारी कंपनी को 50 लाख का ओवरड्राफ्ट देने को तैयार है। ये तो बड़ी खुशी की बात है गुप्ता जी, बैठिए ना। थैंक यू भाभी जी। लड़की के बारे में कुछ पता चला? जी, उसे भी खुशखबरी समझिए जो अभी से पता चल गया, वरना मुन्ना बाबू को जो लड़की पसंद है वो इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। मैं उसके बाप को अच्छी तरह जानता हूँ, बाप बेटी दोनों सिर्फ इस फिराक में है कि कोई अमीर ज्यादा उनके जाल में फंस जाए ताकि वो उसकी दौलत पर अय्याशी कर सके। नहीं मां, ऐसी लड़की नहीं हो सकती। बेटे, गुप्ता जी की बात 100% सच होती है, और फिर ममता ने ये बात आपको ममता ने ही बताई ना गुप्ता जी? जी हाँ। सुना बेटे, और फिर ममता को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ।
नन्ना बाबू इधर आइए, इधर आइए और ये कार्ड्स देखिए। मुन्ना सोमवार को तेरी सालगिरह की पार्टी है, ये उसी का कार्ड है। एक बार देखिए तो सही। नहीं मुझे सालगिरह नहीं मनानी। मुन्ना बाबू ऐसी लड़कियों का क्या शोक मनाना, और फिर अभी तो आपके सामने जिंदगी पड़ी हुई है। एक बात मैं आपको अपने तजुर्बे की बताता हूं, जिंदगी में कभी भी खुशी का मौका नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि गम बहुत बेशर्म होता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आ टपकता है। गुप्ता जी ठीक कह रहे हैं बेटे, मान जाओ प्लीज, मैं तुम्हारी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहती हूं। जैसे आपकी मर्जी। गॉड ब्लेस यू। गुप्ता जी मुन्ना बहुत भोला है, उसकी शादी बहुत सोच समझकर किसी अच्छे खानदान की लड़की से करनी होगी। आप अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं भाभी जी, मैंने ममता की बेहतरीन से बेहतरीन परवरिश की है, सिर्फ इस ख्याल से कि आप जैसे किसी खानदान की बहू बन सके। मैंने भी हद कर दी गुप्ता जी, घर में सोने की खान है और मैं बाहर चांदी तलाश कर रही हूं। आप फौरन ममता को बुला लीजिए, और भगवान ने चाहा तो यह सालगिरह की पार्टी सिर्फ सालगिरह की पार्टी नहीं होगी। मुबारक हो गुप्ता साहब, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो जी। थैंक यू मित्तल। आओ भाई आओ। थैंक यू जी। बैठो भाई। कमाल का हाथ मारा गुप्ता जी, बस एक बार मालकिन समधन बन जाए तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में जी। पर एक दरखास्त है गुप्ता जी कि बड़े आदमी बनकर हम जैसे छुटकों फुटकों को भूल मत जाना जी। भाई मित्तल जब भी तुम बात करते हो बेवकूफों वाली बात करते हो जी। हम लोग कभी अलग हुए हैं क्या? पहले भी बांटकर खाते थे, अब भी बांटकर खाएंगे। चाय पियो। जी अभी तो चाय का ही टाइम है, सुबह ही पियेंगे। फिर भी बेटी तो आप ही की जाएगी बड़े घर में बहू बनके। या यूं समझ लो मेरा कि शारदा देवी की दौलत चलकर मेरे घर में आएगी। मैं हजारों लाखों की बात नहीं सोच रहा, करोड़ों की बात सोच रहा हूं। बस एक बार ये रिश्ता हो जाने दो, फिर शारदा देवी की फैक्ट्री जमीन जायदाद सबका मालिक मैं बनूंगा। मैं शारदा देवी के उसी महल जैसे मकान में रहूंगा जिसमें आज वो रहती है, उसी लंबी मर्सिडीज में सैर करूंगा जिसमें आज वो सैर करती है, और फैक्ट्री के मालिक की उस कुर्सी पर बैठूंगा जहां आज मैं सिर्फ एक नौकर हूं, और तुम लोग जो आज तक सिर्फ सैकड़ों हजारों कमाते हो लाखों कमाने लग जाओगे। अब आप लोगों की समझ में आया कि मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में क्यों करना चाहता हूं। आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो गुप्ता जी, या उसे मैं कौन सा बेच रहे हो कह रहा हूं। अगर कह भी रहे थे तो गलत नहीं था मित्तल, क्योंकि अगर अच्छी कीमत मिलती हो तो मैं अपने आप को चौराहे पर खड़ा करके बेच दूंगा, बेटी की तो बात ही क्या है। आइए आइए ना। नमस्ते जी। हेलो, आइए गुप्ता जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये रही आपकी बेटी। नमस्ते। कितनी बड़ी हो गई, खूबसूरत, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अब मैं तुम्हें मुन्ना से मिलाती हूँ। थैंक यू। सॉरी। नमस्ते जी।
देख तो मुन्ना, ये गुप्ता जी की बेटी है ममता। क्योंकि अगर अच्छी कीमत मिलती हो तो मैं अपने आप को चौराहे पर खड़ा करके बेच दूंगा, बेटी की तो बात ही क्या है। अरे तुम दोनों एक दूसरे को देखकर कहां कहोगे? मुन्ना तुम ममता से बातें करो, मैं अभी दूसरे मेहमानों को देखकर आती हूँ। अरे आप ममता गुप्ता हैं? जब आपसे पहली बार मिला था तो आपका नाम माधुरी था और आज आप गुप्ता जी की बेटी ममता गुप्ता बनकर आ गई हैं। आखिर ये पहली है क्या? मेरा प्यार ना बदलेगा तेरे साथ।
बेटी, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ममता बिठिया गुप्ता जी की बेटी है और हमारी होने वाली बहू। बहू? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, और अगर बताया भी होता तो क्या फर्क पड़ता। मैं उनकी बेटी हूँ, कोई गुलाम नहीं। वो मेरी तकदीर का फैसला अकेले नहीं कर सकते। और आपने ये कैसे मान लिया कि मैं आपके इस बुद्धू बेटे के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी? ये क्या कह रही हो? आप चुप रहिए। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? अक्ल और शक्ल दोनों से अजूबा नजर आते हो। सिर्फ तुम्हारी ये माँ ही तुम्हें बर्दाश्त कर सकती है। तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके कौन लड़की अपनी जिंदगी बिगाड़ना चाहेगी? और अगर तुम्हारी शादी हुई तो सिर्फ दौलत की वजह से होगी। इसीलिए तुम्हारी माँ ने मेरे डैडी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। वो तुम्हारे मुलाजिम है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपनी बेटी बेचनी होगी। आपको शर्म आनी चाहिए। एक औरत होते हुए दौलत के बल पर आप बहू खरीदना चाहती हैं? मुझे नफरत हो रही है आपसे। क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों किया? मेरी परसों की मेहनत पर पानी फेर दिया, तबाह कर दिया मुझे। बोल, चुप क्यों? बोलो। क्योंकि मैं शारदा देवी को आपके चुंगल से बचाना चाहती थी। मेरे चुंगल से? मुझे लंबी मर्सिडीज गाड़ी का शौक नहीं है डैडी, ना ही मुझे महलों में रहने की चाह है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आप दौलत के लिए अपने आप को चौराहे पे बेच सकते हैं, मगर मैं बिकाऊ नहीं। ममता, मैंने आपको अपने दोस्तों से बातें करते हुए सुन लिया था। आप मुझे जरिया बनाकर शारदा देवी और उनके बेटे की सारी दौलत हड़प लेना चाहते हैं। तुम्हें सिर्फ शारदा देवी और उसके बेटे की फिक्र है, अब तक और अपने बाप का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? हाँ, नहीं है, क्योंकि मुन्ना बाबू वही है जिन्हें मैंने प्यार किया है, और वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो और कोई नहीं, मैं थी, आपकी अपनी बेटी। आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है डैडी। काश लालच में अंधे होकर आप मुझे बेचने का इरादा ना करते तो आज सचमुच मैं उस घर की बहू होती। लेकिन आज पार्टी में मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं शारदा देवी को जिंदगी भर मुंह नहीं दिखा सकूंगी डैडी। मुन्ना बाबू मेरी शक्ल से नफरत करेंगे। मैंने अपने हाथों से अपना प्यार, अपनी किस्मत, अपना सब कुछ खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि मेरी डैडी पर आज न आए। जो हो गया सो हो गया, मगर डैडी अब और अपनी बेटी पर इस तरह जुल्म मत कीजिए। मुझे धन दौलत ऐश आराम कुछ नहीं चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, सिर्फ आपका प्यार। आ,
हेलो, मैं चीफ फार्मासिस्ट मदन पंचोली बोल रहा हूँ सर। सर, हमारे पोलियो के वैक्सीन में जहर मिल गया है और वो कंसाइनमेंट जा चुका है। तमाम शहरों से कंसाइनमेंट वापस बुलाने होंगे वरना गजब हो जाएगा सर। ठीक है, तुम वही इंतजार करो, मैं आता हूँ। ये बात कितने लोगों को मालूम है? किसी को नहीं सर, सबसे पहले मैंने आप ही को फोन किया था। गुड, तुम जिम्मेदार आदमी हो, आई अप्रिशिएट दैट। ये बात किसी और को मालूम भी नहीं होनी चाहिए। शारदा देवी को भी नहीं? उन्हें मालूम है, मैं अभी उन्हीं से बात करके आ रहा हूं। बैच नंबर को पता चला? नहीं सर, कौन सा बैच है, कहां माल गया है, कुछ पता नहीं चला। तमाम कंसाइनमेंट वापस बुलाने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं। शारदा देवी ने कहा है कि कंसाइनमेंट वापस बुला लेंगे तो लाखों का घाटा हो जाएगा और इस कंपनी पर से हमेशा के लिए लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सर, हजारों लाखों मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है, कहीं कोई एक जान भी चली गई तो। मैं समझता हूं मदन, मगर मैं क्या करूं, शारदा देवी ने कहा एंड शी इज द बॉस। मैं आपकी बात का विश्वास कैसे करूं? यकीन दिलाने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक ये और दूसरा ये। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इंजेक्शन दिया तूने? मेरा बच्चा मर गया, और मेरा बच्चा मर गया। अरे देखो लोगों, देखो इस जहर ने के मेरे बच्चे को। शारदा केमिकल्स के पोलियो इंजेक्शन में जहर लगता है, इनका इस्तेमाल रुकवाइए इंस्पेक्टर साहब। थोड़ा से छोड़ दो, छोड़ दो, कसूर डॉक्टर का नहीं, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का है। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ आइए प्लीज। इसने मेरे बच्चे की जान लेनी है। अरे कीड़े पड़े तुम लोगों को, तुम्हारा सत्यानाश हो। जिस तरह हमारे बच्चे की जान ली, भगवान तुम्हारा भी बच्चे की जान ले ले, खत्म कर दे, खत्म कर दे। मैडम, हमारे पोलियो इंजेक्शन में जहर मिल जाने से कई बच्चे मर गए हैं। क्या? लोगों ने फैक्ट्री पर धावा बोल दिया है और वो मरने मारने पर उतर आए हैं। गुप्ता जी कहाँ है? वो अपनी बेटी को मनोरी छोड़े गए। उन्हें कैसे भी खबर करके जल्दी से जल्दी बुलाओ, मैं अभी पहुंचती हूँ। शारदा देवी, शारदा देवी को, शारदा देवी, शारदा देवी को, शारदा देवी को, शारदा देवी को, शारदा देवी, शारदा देवी को, शारदा देवी, शारदा देवी को, शारदा देवी को, देखो। Yeah.
मिला, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? ये सब तूने पैसे की खातिर किया ना? पैसे की खातिर दवा की शीशी में जहर मिलाकर बेचा? पैसे चाहिए, ले ले पैसे, ये ले। बेटे के सर पे खरोच के आ गई, तेरा कलेजा निकल आया। अरे डायन हमारी तरफ देख, तूने एक नई न जाने कितनी माओ की गोदे सुनी की है। तेरी तेरी सजा यही है कि तेरे सामने तेरे बेटे की जान ली जाए। मारो, मारो, नहीं, मारो, मारो, नहीं, 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 मैडम, आपके नाम हमारे पास वारंट है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलती हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा बेटा, हमारे सिपाही डॉक्टरी देखभाल के लिए ले जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। इस जन्म तो क्या तू सातों जन्म रांड हो, भगवान करे तो हर जन्म बाज हो। तेरा सत्यानाश हो, तेरा नाम लेने वाला कोई ना हो, कोई ना हो। जय साहब, इसे गौर से देखिए, ऊपर से मासूम और ममता की देवी दिखने वाली यह औरत मां होकर भी सीने में पत्थर का दिल रखती है। इस औरत ने दवा के नाम पर जहर बेचा है और जिंदगी देने की बजाय मौत दी है। सवाल उठता है, इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके नजदीक सवाल जिंदगी और मौत का नहीं, सवाल दौलत का था। दौलत की हवस इंसान को शैतान बना देती है और इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने खड़ी है। मिलोर्ड, यह मुकदमा इतना साफ है कि इसमें और कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुलजिमा शारदा देवी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर, जो कुछ भी सजा देनी हो मुझे दीजिए। शारदा केमिकल्स का जनरल मैनेजर होने की हैसियत से इस हादसे का जिम्मेदार मैं हूं। शारदा देवी का इससे कोई सरोकार नहीं, वो बिल्कुल बेकसूर है। आप झूठ बोल रहे हैं गुप्ता जी, शारदा देवी बेकसूर नहीं, कसूरवार है। मथन, तुम नमक हराम? हाँ, मैं नमक हराम ही सही, लेकिन ऐसी नमक हलाली किस काम की? आप मासूम बच्चों के कातिल को कानून से बचाना चाहते हैं? जानते हैं इस देवी ने, इस शारदा देवी ने मेरी जान लेने की कोशिश की? तुम कौन हो? मैं शारदा केमिकल्स का चीफ फार्मेसिस्ट मदन पंचोली हूं। तुम्हें जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहो। तुम शारदा केमिकल्स के चीफ फार्मेसिस्ट हो? जी हाँ। तुम्हें मालूम था कि पोलियो वैक्सीन का एक जहरीला कंसाइनमेंट बाहर जा चुका है? जी हाँ। तो तुमने क्या किया? मैंने फौरन गुप्ता जी को फोन किया, वहां से मालूम पड़ा कि वो अपनी बेटी के साथ मनोरी चले गए।
मैंने उसी वक्त शारदा देवी को फोन किया और उन्हें बताया कि हमें अपने पोलियो वैक्सीन की तमाम कंसाइनमेंट्स वापस बुलानी होगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हजारों लाखों का नुकसान हो जाएगा। सैकड़ों मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल था वकील साहब, मैं उनकी बात कैसे मान सकता था? मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं पुलिस में खबर देने जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? जैसे मैं पुलिस में खबर देने के लिए बाहर निकला, कुछ गुंडों ने मुझ पर अचानक हमला किया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी जबान खामोश नहीं रखी तो वो मुझे जान से मार देंगे। ये सब झूठ है, झूठ है। तू झूठ बोल रहा है कमीने। अगर तूने मेरी मां के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। ऑर्डर ऑर्डर, आप खामोश रहिए वरना आपको अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सबर किसी मतलब? कैसे सबर करूं गुप्ता अंकल, जो देखो वो झूठ बोले चला जा रहा है। आप क्यों कुछ नहीं कहते? आप तो सब जानते हैं ना। बोलते क्यों नहीं मिस्टर गुप्ता, आपको तो सब बात सच सच मालूम है। मैं पूछता हूँ क्या हो गया है आपके जमीर को? अगर यही हादसा आपकी अपनी बेटी के साथ होता तो क्या आप यूं ही खामोश बैठे रहते? मिस्टर गुप्ता, मदन पंचोली के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि आप सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अदालत आपको हुक्म देती है आप सब कुछ सच सच बताएंगे। जब मैं दो वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा था, शारदा देवी के पति ने मुझे नौकरी देकर ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी बच्ची को भी सहारा दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं उस देवता की बदौलत हूं। उनके एहसान के नीचे मैं इस कदर दब गया कि सिर्फ एक वफादार नौकर बनकर रह गया। अपने पति के बाद मेरी इस वफादारी का नाजायज फायदा शारदा देवी ने उठाया। मिलॉर्ड, सच्चाई यह है कि अभी अभी मदन पंचोली ने इस अदालत में जो कुछ भी कहा वो सब सच है। गुप्ता जी। गुप्ता अंकल। अपने पति की मौत के बाद शारदा देवी ने कंपनी की सारी बागडोर अपने हाथ में थाम ली, तो कंपनी में ऐसी कई तब्दीलियां आई जिसकी वजह से मैं भी नौकरी छोड़ देना चाहता था। मैं इनके जाल से मुक्त होने की तरकीब सोच ही रहा था कि इन्होंने एक ऐसा दाना फेंका जो सिर्फ वही औरत फेंक सकती जिसके हाथ मासूमों के खून से रंगे हो। अपने बेटे के लिए उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा। एक बार से सौदा करना चाहती थी ताकि मैं भी इनकी साजिश में शामिल हो जाऊं। यह तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने इनकार करके मुझे इस जिल्लत से बचा लिया। मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया, आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे? क्यों झूठ बोल रहे? क्यों झूठ बोल रहे? गुप्ता का बच्चा है, तू मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे छोड़, छोड़ मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं दूध की कसम खाकर कहता हूं तेरे दूध के एक एक कतरे की कीमत चुकाऊंगा मां, बस तू मुझे छोड़ के मत जा मां। मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊंगी मेरे बेटे? तू और मैं हम एक है, तू कभी अकेला नहीं होगा मेरे बेटे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी।
वो भी बेटे, तुम्हारी किसी ने जान लेने की कोशिश की है। इस बुड्ढे को इस लाश के साथ साथ इस बुड्ढे को भी पानी में फेंक दो। दोस्तों, आज का मौका खुशी का भी है और गम का भी। खुशी का इसलिए कि आज के बाद इस फैक्ट्री में सिर्फ एक मालिक नहीं होगा, बल्कि हम और आप लोग सब, जिनकी मेहनत और पसीने से यह फैक्ट्री बनी है, सब इसमें हिस्सेदार बनेंगे। इसीलिए हमने इस फैक्ट्री का नाम भी बदलकर फ्रेंड्स केमिकल्स रख दिया है, ताकि शारदा देवी की बदनामी का ग्रहण इस फैक्ट्री को ना निकल जाए। गम का मौका इसलिए कि शारदा देवी का बेटा मुन्ना बाबू आज हमारे बीच में नहीं है। अपनी मां की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेचारा मुन्ना बाबू कितना भोला और देवता स्वरूप आदमी था, आखिर उन्हें किस बात की सजा मिली। अब हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम सब मिलकर इस फैक्ट्री को आगे बढ़ाएं, और मैं समझता हूं इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम मुन्ना बाबू को और अर्पित नहीं कर सकते। तो आइए मुन्ना बाबू की रूह की शांति के लिए कुछ देर के लिए भगवान से प्रार्थना करें। बंबे ओ पठानकोट जावे नी यारां दा ट्रक बलिए ला 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 ला। ए कौन है साला इधर? कोई है इधर? आपकी सड़क समी रखी है। बस है
बाप को नहीं पहचानता? मेरा बाप? मेरा बाप तो शायद मर चुका है। तेरे बाप ने मुन्ना बाबू के रूप में दोबारा जन्म लिया है। मुन्ना बाबू? कौन मुन्ना बाबू? पहचाना नहीं? नहीं। जाना मुझे नहीं, नहीं, नहीं। याद कर, एक दिन इसी जगह एक धमाका हुआ था। मुन्ना बाबू? हाँ, मुन्ना बाबू, जो सिर्फ तुम लोगों को खत्म करने के लिए जिंदा है। मुझे माफ करो मुन्ना बाबू। कौन सी मौत मरेगा, डूब कर या जल कर? मिसेस मोदी के हाथ बहुत शुभ है गुप्ता जी। पिछली बार टंडन जी शहर के मेयर बने थे, इन्हीं की कृपा से। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। थैंक यू। क्या नहीं जी, क्या हम नहीं जानते कि आप इस शहर के सबसे बड़े रईस हैं? जी गलत जानते हो जी, बैंक मैनेजर की हैसियत से मैं जानता हूँ कि देश के चंद गिने चुने बड़े लोगों में मिसेज मोदी की गिनती है। आप तो यूं समझ लो गुप्ता जी कि मिसेज मोदी ने आपके प्रस्ताव के समर्थन पर दस्तखत कर दिए कि आप बन गए मेयर बिना किसी इलेक्शन के। मेयर बनू या ना बनू, मगर खुशी तो इस बात की है कि इस बहाने मिसेज मोदी ने मेरी कुटिया में कदम तो रखा। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपसे एक बात कहूं, समझ में नहीं आता कि कहूं या ना कहूं। जी कहिए। वो कहते हुए डरता हूं कि कहीं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। ऐसी भी क्या बात है, आप कहिए ना जी। वो हाँ हाँ कहिए गुप्ता जी, आप भी कोई मामूली आदमी थोड़े हैं, आपके तो एक इशारे पर कोई भी बैंक 50 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट दे सकता है। जी मेरी एक बेटी है ममता, मैंने उसकी परवरिश इस ख्याल से की है कि किसी दिन वो आप जैसे बड़े घर की बहू बन सके। ओह आई सी। वैसे मिस्टर गुप्ता, ये फैसला बच्चों को खुद करना चाहिए, माँ बाप को नहीं, क्योंकि आखिर उनकी जिंदगी का सवाल है। वाह मिसेस मोदी, कितने सही और ऊंचे ख्याल हैं आपके। छोड़िए भी, मैं आजाद से कहूंगी कि आपकी बेटी, क्या नाम बताया उसका? जी ममता। ममता कि ममता से कल ही आकर मिल ले। सर एक मिनट, आप कहें तो कल ही ताज में मीटिंग रखते हैं। हाँ हाँ जरूर। सर प्लीज एक्सक्यूज मी। ममता बेटे इधर आओ। ये मेरी बेटी ममता, नमस्ते करो आंटी को। नमस्ते। जीते रहो, आओ बेटा। आओ। मैं अभी हाजिर हुआ। क्या बात है मैडम? सर पुलिस आई है। तुम जाओ। यस।
इंस्पेक्टर कोड़ा क्राइम ब्रांच। कहिए क्या काम है? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आइए मेरे साथ। कहिए। इस छोटी शीशी को पहचानते हैं आप? ऐसी सैकड़ों शीशियां हाईवे पर बिखरी पड़ी हैं और जिस ट्रक में कंसाइनमेंट जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो चुका है, MHT 2767। मगर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि इसमें नशीली ड्रग्स पाई गई हैं और इस बॉटल पर आपकी कंपनी का लेबल लगा है। लेबल तो कोई भी लगा सकता है, इससे मेरा क्या वास्ता? अगर आपको कोई पूछताछ करनी हो तो कल मेरे ऑफिस में आइए और मेरे लॉयर से बात कीजिए। एक्सक्यूज मी नाउ। वाल तो वक्त मेरे पास भी नहीं है, मगर मरने से पहले आपके ड्राइवर राधे ने आपके खिलाफ बयान दिया है, पर मैंने सोचा कि रिपोर्ट फाइल करने से पहले मैं आपको यह बता दूं। खैर, मेरे साथ आपको इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। देखिए, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी की बात चल रही है और वैसे भी मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। आप इंतजार कीजिए, मैं भैया। इसमें 5 लाख रुपए हैं, केस खत्म कर दो। बेटी के रिश्ते की बात करके तो आपने सारी बात खत्म कर दी। आखिर हम भी तो इंसान हैं, मामले की नजाकत को अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल तो आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। क्या लिखा है इसमें? इसमें यह लिखा है कि आपको उस ट्रक के ड्राइवर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा बेटी, गुप्ता जी से कहना बाद में फोन पर बात कर लें। एक्सक्यूज मी, मिस्टर गुप्ता। हाँ, वेरी सर। वन मोर। या जस्ट ए मिनट मैडम। गुप्ता जी। हाँ अभी आया। मिस्टर गुप्ता, हाँ ये मेरा कार्ड है, जरूरत पड़े तो मुझे फोन करें। थैंक यू इंस्पेक्टर। That's all right. माफ कीजिएगा, आप मेरे रास्ते में आ रहे हैं। जी मैं आपके रास्ते में आने के लिए ही आया हूँ। यानी कि आप जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रहे हैं? देख लीजिए, अगर आप मिस्टर मोदी हैं तो आपके लिए एक मैसेज है। क्या? यही कि मिस गुप्ता आपका इंतजार कर रही हैं। मिस गुप्ता? ममता। हाँ ममता, वो आपका इंतजार करिए, मुझे आपको वहां ले जाना है। ममता गुप्ता जी? हाँ आइए। जी आप चलिए। वो रही वो। हाँ ये दैट वन। या दैट वन, दैट ममता। हाँ ममता, मिस गुप्ता। हाँ मिस गुप्ता, थैंक्स वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। यू आर अ फ्रेंड, यू नो शी इज माय फियांसे। आई नो, बेस्ट ऑफ लक। मिस ममता, हेलो हेलो, मिस मिस गुप्ता, इट्स मी, मिस गुप्ता, इट्स मी, मैं हूँ आजाद मोदी। यू सी, आई गॉट फ्लावर्स फॉर यू। मिस गुप्ता, आई एम आजाद, आजाद मोदी। हाउ डू यू डू? एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मिस ममता गुप्ता हैं? जी हाँ जी, मुझे आजाद मोदी कहते हैं। मेरी मम्मी और आपके डैडी ने मिलकर हम दोनों की। बुरा मत मानिएगा मिस्टर मोदी, मगर मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। यहाँ सिर्फ इसलिए चले आए क्योंकि डैडी का हुक्म नहीं डाल सकते थे। कमाल हो गया, मैं तो खुद यहाँ इसलिए आया था कि माँ की बात को नहीं डाल सकता था। सच पूछे तो मेरा भी कोई इरादा नहीं था शादी करने का, मगर आपको देखने के बाद मेरे इरादे पर पानी फिर गया। जिस मंजिल की तलाश में भटक रहा था वो मेरे सामने है। ऐसे लगता है जैसे हमारा नाता आज का नहीं जन्म जन्म का है। अब मैं शादी करूंगा तो आप ही से करूंगा, वरना यकीन मानिए जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अरे रे, ऐसा कसम मत कीजिएगा, वरना मेरा क्या होगा? आपको देखने के बाद
अब मैं भी शादी के लिए तैयार हूं। जी? मैं इसी वक्त अपने डैडी को फोन करके बता देती हूँ, चाहे तो आप भी अपनी मम्मी को फोन कर लीजिएगा। मैं खुद अपनी माँ से जाकर बात कर लूंगा, वैसे हम एक दो बार और मिले तो अच्छा नहीं होगा। जैसी आपकी मर्जी। कल इसी वक्त इसी जगह। लाख लाख शुक्रिया भगवान, लाख लाख शुक्रिया। मैंने दोबारा ऐसा खेल मत खेला मेरे साथ। अगर तुमने मुझे उनसे फिर से अलग किया ना, तो याद रखना पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। पुलिस आई है, सर्च वारंट ले। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा सर, लेकिन आपने तो कहा था 5 लाख रुपया देके मामला रफा दफा हो चुका है। हाँ ये तो बात है। एक काम करो, तुम इंस्पेक्टर कोड़ा को फोन करो। 4209211। सर जरा काट दीजिए, ये 4209211 नहीं है सर, ये 420-9211 है। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूं सर, काट पड़िए ध्यान से। इंस्पेक्टर पंचमार कोड़ा, बदला नगर पुलिस चौकी, और फोन नंबर 420-9211। सर कोई 420 आपके 5 लाख रुपए लेके 9211 हो गया है। परेशान क्यों होते हैं सर, ये 5 लाख का नुकसान मरहूम शारदा देवी के नाम लिख दीजिए। बात नुकसान की नहीं, खतरे की है। उसने मुझसे कागज पर दस्तखत करवाए थे, न जाने उस कागज पे क्या लिखा था। ये क्या है जी? लो जी कर लो बात, इन्हें नहीं पहचानते? अरे नोट है नोट। गुप्ता जी ने 3 लाख रुपए भिजवाए आपके लिए। अरे ये गुप्ता जी तो मरवा के रहेंगे, कुछ समझते नहीं है। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि कमीशन का पैसा मेरे घर भिजवा दिया करो, वो भी किसी खास आदमी के हाथ। खास आदमी तो 3 ही थे, उनमें से एक आउट हो गया, बचे 2। इन 2 के ऊपर पुलिस की नजर है, इसलिए अब मैं खास आदमी हूँ और इस खास आदमी के जरिए ये खास कागज आपके लिए भेजे गए हैं। खास कागज? अब ये क्या नई मुसीबत है? 50 लाख मांगे हैं। हाँ जी देख लो, उन्हीं के दस्तखत हैं। लेकिन वो इतने रुपयों का करेंगे क्या? लो जी कर लो बात। अरे भाई पुलिस ने दवा की शीशियों में हीरोइन बरामद की है और आप पूछ रहे हैं इतने रुपयों का करेंगे क्या? भाई ऊपर से नीचे तक सबको खामोश करना है हमेशा के लिए, आफ्टर ऑल गुप्ता जी की जिंदगी और मौत का सवाल है। भाई अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं खुद कैश लेकर आता हूँ। मैं ये बैग ले जाऊं, किसी में ले आता हूं। लो जी पूरे 50 लाख। गुप्ता जी को फोन करके बता तो दीजिए कि आपने मुझे रकम दे दी है। अरे वेरी गुड। हेलो गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग जी। वो मैंने आपके 50 लाख रुपए आपके आदमी को दे दिए जी। 50 लाख और मेरे आदमी को? कौन है वो जी? हाँ जी मैं हूँ पंचमार कोड़ा। सुनाओ तुम जरा मित्तल को फोन दो। मित्तल साहब आपको नानावटी हॉस्पिटल में मिलेंगे। व्हाट? हेलो, ये नानावटी हॉस्पिटल का क्या चक्कर है? अभी बताता हूं। अच्छा अच्छा।
एक्सक्यूज मी। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया जी? कौन है? चिल्लाओ। मच्छू अंग अंग दुखता है मेरा। अरे गुप्ता जी, अरे किस जन्म का बदला लिया है मुझसे? मेरा जोर जोर तोड़वा दिया अपने आदमी को भेजकर। वो मेरा आदमी नहीं था जी, आप ही का था जी, और आपके भेजे हुए 3 लाख रुपए भी लाया था। मैंने कोई रुपए नहीं भेजे। देखो जी, ऐसी बातें तो करो मत, मेरे तो पहले ही तोते उड़े हुए हैं। गुप्ता जी, आप तो वैसे ही कागज पर दस्तखत करके भेजा करते थे पहले भी। गुप्ता जी, 50 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, वरना मैं मरूंगा बाद में, मेरी अर्थी पहले ही उड़ जाएगी। मैंने कहा ना तुमसे, वो मेरा आदमी नहीं था। आपका आदमी नहीं था तो कौन था वो? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन था। अरे बताओ, अरे डॉक्टर साहब। What the hell is happening here? ये क्या हो रहा है? मुझे इससे जरूरी बातें करनी है। मुझे नहीं करनी। बात करने का ये तरीका? Please go out. मगर डॉक्टर। Out, I said. अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब। आपके हाथों में तो बेबी, उस रोज तो मैं गोता खा गया था क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल पहचानता नहीं था, लेकिन अब गुप्ता अंकल ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दे दी है। Just you see, baby, you won't be able to resist me. you handsome, you. Doobie 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 doo. Hello. मैं आजाद मोदी बोल रहा हूँ। ममता गुप्ता है जी? मुझसे आजाद मोदी से मिलने। Of course. Who else? का दिमाग खराब हो गया मिस्टर बहरा। कंपनी के चारों तरफ पुलिस का पहरा है और आप अपने माल की डिलीवरी चाहते हैं, यानी कि मैं अपने हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा डालूं? तो क्या मैं अपने गले में फांसी का फंदा डालूं? आपके आदमियों की लापरवाही से ट्रक का माल पकड़ा गया, लाखों रुपए एडवांस में ले चुके हैं, जिसकी जवाबदारी मेरी है।
अगर उन्हें सही वक्त पर माल नहीं मिला तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, उनके हाथ आप तक पहुंच जाएंगे मिस्टर गुप्ता। जी पहले आप इन पेपर्स पर दस्तखत करो जी, अगर कहीं बैंक में इंक्वायरी हो गई तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना। ये कैसे कागजात? जी श्योरिटी के, आपका घर और कंपनी मैंने बैंक के नाम गिरवी रखवा दिए हैं, उन्हीं के अगेंस्ट तो मैंने आपको 50 लाख रुपए का लोन दिया था। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ मिस्टर मित्तल कि वो मेरा आदमी नहीं था। तो फिर वो आदमी कौन था जी? यही तो मैं भी कहता हूँ कि वो कौन था जिसने मेरा जीना हराम कर दिया है, नींद हराम कर दी है। I'm sorry. देखो मित्तल, सब्र से काम लो। जैसे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी मैं बैंक की पाई चुका दूंगा, और सबसे पहले आपकी माल की डिलीवरी हो जाएगी। मदन। यस सर। आज ही से चिंस पोकली के गोडाउन में माल बनाना शुरू कर दो, वही एक जगह है जहां पुलिस की नजर नहीं। जी आई थिंक दैट्स द सॉल्यूशन जेंटलमैन। राम सिंह। जी साहब। मेहरा साहब आएंगे, उन्हें सामान दे देना। आप जा रहे हैं साहब? जा रहा हूं। वॉचमैन जी, माल तैयार है? जी साहब। पुलिस, पहचाना मुन्ना बाबू, पहचाना। मुझे माफ कर दो मुन्ना बाबू। कोर्ट में जब तुम मेरी मां के खिलाफ गवाही देने आए थे, मेरा मतलब है झूठी गवाही, तो जख्म यहां था कि यहां? हाँ, गलती हो गई। ये हाथ नहीं था ना? हाँ, ये था। यहां भी कुछ था ना? नहीं था। आ!
अदालत आए थे तो इन्हीं टांगों से चलकर आए थे ना। हेलो, तुम्हारा चेंज पुगली वाला गोडाउन में गया गुप्ता। पुलिस ने छापा मारकर सारी नशीली ड्रग्स बरामद कर ली हैं। कौन है तुम, क्या बक रहे हो? खास बात तो यह है कि तुम्हारा कमीना दोस्त भाग निकलने के चक्कर में पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया है। किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरा? क्या खूब पहचाना, फिर तो तुम मुझे भी पहचानते होगे। घोड़ा, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्या चाहिए मुझसे? बोलो। अभी तो शुरुआत है गुप्ता, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। आसाद, मैं मां बनने वाली हूं। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। आज मैं बहुत खुश हूं। ये कार्ड गुप्ता जी को मिसेस मोदी की तरफ से, और ये मिसेस मोदी को गुप्ता जी की तरफ से सगाई मुबारक हो। एक आदमी कार्ड दे गया है गुप्ता जी की तरफ से। गुप्ता जी की तरफ से? गुप्ता, गुप्ता अंकल, क्या लिखते हैं? कमाल है, गुप्ता जी ने तुम्हारे साथ अपनी बेटी की मंगनी का जश्न भी रख लिया और मुझसे बातचीत तक नहीं की। बातचीत? व्हाट बातचीत मम्मी? बातचीत हो चुकी है, मेरी बातचीत हो चुकी है, ममता की बातचीत हो चुकी है। अरे बातचीत नहीं हुई तो हो जाएगी? ये जमाना बातचीत का नहीं, काम का है, एक्शन। मामा प्लीज, खुशी की बात है, इनकार मत करना। लेकिन शनिवार तक तैयारी कैसे हो? डोंट यू वरी मामा, सब हो जाएगा, दिस इज जेट एज। और फिर तुम ही तो कहती हो कि शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। टेलीफोन, एक्सक्यूज मी। हेलो, हेलो बेटे, गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। गुप्ता जी, द ग्रेट ग्रेट अंकल गुप्ता जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं उस शनिचर का बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहा हूँ, और मम्मी भी कर रही है ना मम्मी? लवली, द ग्रेट डे सैटरडे। भाई सगाई का कार्ड अच्छा है? बहुत अच्छा है अंकल, बहुत अच्छा है। मगर मिसेस मोदी ने मुझसे कोई बातचीत ही नहीं। ओह, फिर वही बातचीत अंकल, बातचीत में रखा क्या है? और फिर बातचीत तो सगाई के बाद भी हो सकती है। नॉट टू यू अंकल। क्यों नहीं बेटे, क्यों नहीं। मिसेस मोदी ने तो कमाल ही कर दिया, मैं किस तरह उनका शुक्रिया अदा करूं? अरे अंकल मैं बोल देता हूँ। अंकल आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अंकल मैंने बोल दिया आपकी तरफ से। अंकल आप बेफिक्र होकर शनिवार की तैयारियां कीजिए। द ग्रेट सैटरडे, द ग्रेट ग्रेट शनिवार इज अराइविंग शनिवार। डूबी डूबी। थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटे, थैंक यू। Excuse me. माफ कीजिएगा, आप मेरे रास्ते में आ रहे हैं। जी मैं आपके रास्ते में आने के लिए आया हूँ। जी यानी कि आप जानबूझ के मेरे हाय। तुम यहाँ मेरी सगाई पर? तुम्हें किसने बुलाया? गुप्ता जी ने। द ग्रेट गुप्ता जी ने? लेकिन तुम्हें क्यों? जी द ग्रेट गुप्ता जी ने आपकी सगाई के मौके पर मुझे गाने के लिए बुलाया है। तुम्हें? हाँ, अगर आपको कोई ऐतराज हो तो मैं। नहीं नहीं, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? तुम एक गाना गाओ, दो गाने गाओ, दस गाने गाओ, मेरी तरफ से तो जिंदगी भर गाते रहो, लेकिन प्लीज प्लीज एक एक वादा करो। क्या? मेरे हनीमून तक मेरा पीछा नहीं करोगे तुम? जी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। कोशिश? हे हे लिसन, हम ऐसे जाने तुमसे
जान तन से, तन जान से हम ऐसे जान जान तुमसे प्यार करते हैं। आंख को किरण, सांस को पवन, आंख को किरण, सांस को पवन, जीने को तुम जरूरी इकरार करते हैं। जान तन से, तन जान से में लिखा कर लाए, नहीं मजाल किसी की कोई बीच में अपने आए। प्यार न माने कोई पहरा, या कफन मिले या सहरा, ऐलान वफा दीवाने सरदार करते हैं। जान तन से, तन जान से पर हम अड़ जाएं। करने को तुझे हासिल, भगवान से भी लड़ जाएं। दिल जला जान भी ले ले, दिल जला जान भी दे ले। दिल जले जहां वालों को होशियार करते हैं। हम शायद तुमने मुझे ठीक तरह पहचाना नहीं गुप्ता। कौन? कोड़ा? वो भी नहीं। मुन्ना बाबू? हाँ, वही मुन्ना बाबू जिसे तुमने मारकर दरिया में फेंक दिया था। अगर मैं मर जाता तो आज मिसेस मोदी को ये कौन बताता कि वो किस जाल में फंस रही हैं? ये सब क्या है गुप्ता जी? ये मुन्ना बाबू है कौन? मैं शारदा देवी का बेटा हूं, जिनकी दौलत की खातिर इस आदमी ने अपनी बेटी की शादी मुझसे तय कराई थी। आज आपकी दौलत की खातिर वो अपनी आवारा और बच्चलन बेटी की शादी आपके लड़के से करना चाहता है, जो शादी से पहले एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। बदतमीज, यकीन नहीं आता तो अपनी बेटी से पूछ लो। क्या बकवास कर रहे हैं तुम? बोलते क्यों नहीं कि झूठ बोल रहा है? सच क्या है आप बता क्यों नहीं देती मिस गुप्ता? मैं आपके हाथ जोड़ती हूं मुन्ना बाबू, इस तरह भरी महफिल में मुझे रुसवा तो ना कीजिए। जब भरी महफिल में तुमने मेरी मां को रुसवा किया था तब दर्द नहीं हुआ था तुम्हें? मिस मोदी, जरा इनसे पूछिए कि अपनी पेट में ये किसका बच्चा लिए घूम रही है।
चलो। मिसेस मोदी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझा। समझाने के लिए कुछ नहीं रहा है मिस्टर गुप्ता, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारी फैक्ट्री पर सील लग चुकी है। यू आर अ फिनिश्ड मैन। बेईमानी से जमा की हुई दौलत, तुम्हारे काले धंधे, तुम्हारा मेयर बनने का सपना और तुम्हारी बेटी की इज्जत सब नीलाम हो चुकी है। नंगे खड़े हो तुम सारी दुनिया के सामने, नाक कट चुकी है तुम्हारी। एक दिन इसी तरह तुमने मेरी मां को तबाह किया था, सारी दुनिया के सामने उसे मासूम बच्चों की कातिल कहा था। बहुत तड़पी थी मेरी मां, तुमने मेरी मां को मार डाला गुप्ता, और अब तड़पने के दिन तुम्हारे हैं। गंदी नाली के कीड़े की तरह बिल बिलाते जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी, लोग थूकेंगे तुम पर, मांगने पर भी मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। You are under arrest, Mr. Gupta. याद रख मुन्ना बाबू, बात यहां खत्म नहीं होती। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद तो अपने आप को मुर्दा समझ। मुबारक हो, तू बाप बन गया है। सुंदर राजकुमार, मेरा बहुत प्यारा बेटा, बहुत ही प्यारा बेटा है तू। इसीलिए तो तेरे पापा तुझे देखने नहीं आए कि अगर कहीं वो तेरी प्यारी प्यारी सूरत देख लेंगे तो उनका दिल पिघल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, तू अपने पापा के पास जरूर जाएगा। तू इसे वहां एक हफ्ते के लिए भेज तो रही है, मगर क्या शांति इसकी ठीक से देखभाल कर पाएगी? क्यों नहीं करेगी, वो एक नेक औरत है और उसने तो मुझे एक अच्छी राय भी दी है। क्या? उसने कहा है कि अगर उन्होंने इसे रखने के लिए कुछ आनाकानी की तो उन्हें साफ कह देगी कि हम लोग इसे छोड़कर एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर चले गए हैं। मेरा राजा बेटा है, मेरा अच्छा बेटा है, मुन्ना राजा बहुत अच्छा है। शांति माँ, किसका बच्चा है? जी आपका बेटा है। यहाँ कैसे है? जी ममता मैम सब छोड़ गई है। क्या ये इसके बाप का घर है जो इसे यहाँ छोड़ गई है? इसी वक्त इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन वो और बाबा एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, वापस आते ही ले जाए। वो ले जाए या ना ले जाए, मुझे घर में नहीं चाहिए, समझी? ये अब तक घर में क्यों है? मैं इसे कहाँ छोड़कर आऊँ मुन्ना बाबा, इसकी माँ भी तो यहाँ नहीं है। माँ यहाँ नहीं तो मैं क्या करूँ? ये लो, किधर गया? सुंदर राजकुमार,
जब से तू आया मेरे द्वार। मां, ए शांति माँ, अरे उठना। जी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? बच्चा कब से रो रहा है? और फिर उसे चादर भी नहीं उड़ाई तूने। चादर? ये रो क्यों रहा है? जी, इसे दूध चाहिए। अरे तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? दूध ले आना। और सुन, हाँ? दूध मेरे कमरे में लाना। जी। ना 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 ना, अच्छे बच्चे नहीं रोते, अच्छे बच्चे नहीं रोते। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। तुझे एक मजे की बात बताऊं, मेरी माँ भी मुझे मुन्ना बुलाया करती थी। हाँ, मछली? अरे आ जा, तेरे को मछली भी दिखाता हूँ। आ बेटे, ये देख। लगता है सा
अरे तू यहाँ कहाँ गया? स्कूल नहीं जाना क्या? हाँ चल। गेट खोल दो। शांतिमा जी। ए शांतिमा मुन्ने को ले आ। अरे हाँ। अरे माँ जी मुन्ना कहाँ? अभी तो यही था। क्या शायद ममता मेम साहब ले गई हैं। क्यों? उन्होंने कहा था हफ्ते भर बाद आकर उसे ले जाएंगी। मुझे अपना बेटा चाहिए। जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास छोड़ा था उसे। काफी होशियार हो हाँ? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें मेरे बेटे की? मेरे बेटे की माँ के लिए बेटे की कोई कीमत हुआ करती है, ये मैं नहीं जानती थी। हाँ, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो जरूर पूछकर बता देती कि एक बेटे की क्या कीमत होती है। Shut up! खबरदार जो आइंदा अपनी जबान पर मेरी माँ का नाम लाई तो। क्यों? बहुत इज्जत है उनकी तुम्हारे दिल में। याद रखो, हर बेटे के दिल में अपनी माँ के लिए इज्जत होती है। तुमने तो अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले लिया मुझसे और मेरे डैडी से। मगर कल जब मेरा बेटा बड़ा होकर अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहेगा तो बोलो किससे लेगा? तुमसे, अपने बाप से। भगवान के लिए कुछ तो लाज रखो इन रिश्तों की। इतना जलील मत होने दो इन्हें। उस दिन ये ख्याल कहां गया था जब तूने पार्टी में मेरी मां को जलील किया था और मेरे प्यार पर थूका था, जो आज तू इन रिश्तों की लाज की बात कर रही है? उस दिन भी रिश्ते की लाज निभाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खोया था। हाँ, मैं जान गई थी कि डैडी का वास्ता सिर्फ तुम्हारी दौलत से है, और मैं ये नहीं चाहती थी कि वो मेरे प्यार की आड़ लेकर तुम्हें और तुम्हारी मां को जिंदगी भर धोखा देते रहे। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यही तो तकदीर ने खेल खेला मेरे साथ। मैं तो तुम्हें आज तक ये भी ना बता सकी कि पहली नजर में पहचान गई थी तुम्हें। तुम भेस बदल कर सारी दुनिया को धोखा देते रहे लेकिन मेरे प्यार को धोखा नहीं दे सके। हाँ, ये उसी प्यार का साक्षात दीपक है जिसे तुम अपनी दौलत से खरीद लेना चाहते हो। एक माँ को अपने बेटे से जुदा कर देना चाहते हो, तो फिर फर्क ही क्या रहा तुम में और मेरे बाप में?
तुम अपने बच्चे की जिंदगी चाहते हो तो कूदो नीचे। मैं देखना चाहता हूं कि यहां से कूदने के बाद तुम्हारे जिस्म के कितने टुकड़े होते हैं। कूदो कूदो, मैं कहता हूं कूद जाओ।